हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ग्लो एंड ग्लैम ब्यूटी सैलून। तो दोस्तों, आज हम हेयर स्ट्रेटनिंग का वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हम हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं। अच्छी होती है ना, तो ये बहुत ही बेस्ट क्लाइमेट है हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए। तो इस तरीके से आपको आप भी फ्रेंड्स इस तरीके से करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ब्लो ड्रायर बहुत अच्छे से करना है। ओनली शैम्पू आप करेंगे, हेयर वॉश, और उसके बाद जो है ब्लो ड्रायर से आपको बालों को बहुत अच्छा स्ट्रेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से पूरा जो है ये ब्लो ड्रायर करके हमने पूरे बालों को स्ट्रेट किया है। क्यों? तो ये पूरा स्ट्रेट हो गया है बाल। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्रीम अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से आपको भी वर्क करना होगा, बहुत ही अच्छे से आपको ब्लो ड्रायर करना होगा। हमने कैनवो लाइन हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम ले रखा है, आप भी ले सकते हैं, आप ग्लैड का भी ले सकते हैं। आपको जो रिजनेबल, जो अच्छा आपको रिजल्ट दे, आपके बजट में हो, तो आप उसको यूज कीजिएगा। तो चलिए देखिए, ये हमारा क्रीम है और हम क्रीम को बाउल में अच्छे से ले लेंगे और उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम प्रोडक्ट ले ले रहे हैं एक बाउल में। आप प्रोडक्ट ले लेंगे बहुत अच्छे से, तो ये देखिए। और ग्लव्स आप जरूर यूज करें, बिकॉज हाथ जो है वो बहुत खराब हो जाते हैं। एंड हमने ये ब्रश ले लिया है और क्रीम अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए हम लोग फटाफट जो है वो क्रीम अप्लाई होने का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। आपको रूट से जो है आप 1 इंच छोड़ करके क्रीम अप्लाई करेंगे और पतले सेक्शन लेके हम लोग क्रीम बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों को जो है वो पूरा क्रीम अप्लाई करना होगा और इस तरीके से पूरे बालों में जो है हम क्रीम को बहुत अच्छे से मर्ज करते हैं। और रूट्स आप देखिए, हमने रूट्स 1 इंच बिल्कुल जो है वो छोड़ दिए हैं। तो आप भी इस तरीके से करेंगे और बहुत अच्छे से जो है क्रीम को मर्ज करके बिल्कुल स्ट्रेट हम इसको लगा देंगे हेयर्स को। ये जो हमने एक लेयर ले रखी है हेयर की, उसमें देखिए कितने अच्छे से क्रीम मर्ज की जा रही है। एंड देन हमने उसी उसमें जो है सेकंड पार्ट किया। देखिएगा, हम फिर जो है वो रूट से हम लोग 1 इंच छोड़ करके क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। अरे बालों में लग जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में जब हम क्रीम अप्लाई कर लेते हैं तो हमें ये चेक भी करना रहता है कि जो बालों में जो बॉन्ड है वो हट जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। और रबर की तरह जो है, जब बाल बिल्कुल खिंचने लगे तो समझ लीजिए कि आपके जो हेयर्स हैं वो रेडी हैं वॉश के लिए। तो आपको चेक करना पड़ेगा
कि बालों में जो है वो रबर वाला टेक्सचर आया या नहीं। हमें किस तरीके से चेक करना है वो हम आपको बताते हैं कि बालों में कैसा टेक्सचर आ जाना चाहिए। तो देखिए हम लोग फ्रेंड्स इस तरीके से चेक करेंगे ना बालों को। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जो ये बालों में बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुके हैं और हम इनको अब वॉश करने की तैयारी करेंगे। देख लीजिए इस तरीके से बिल्कुल हमें देखना पड़ता है, बिल्कुल रबर की तरह हेयर्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इस तरीके से खींचने लगे जब बाल बिल्कुल रबर की तरह, तो आप समझ लीजिए कि जो है बॉन्ड वो ब्रेक हो चुके हैं। क्योंकि यही इसका मेन इस क्रीम का जो है वो वर्क है कि बालों के बॉन्ड को ब्रेक करना। जब बाल रबर की तरह खिंच के थोड़ा लंबा होने लगे इट मींस कि जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है। और ये बहुत अच्छे से चेक करना है आपको। और देखिए अब हम लोग जो है इसको वॉश कर रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा सा करके देख रहे हैं कि ये सही वर्क हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स जो बाल हमारे जो है वो जिनके बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुके तो उनको वाटर स्प्रे करके हम उस प्रोसीजर को वहीं पे रोक देते हैं और जो नहीं हुए हैं उनको हम थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर स्प्रे करेंगे तो उससे जो है वो प्रोसीजर वहीं पे रुक जाएगा, हार्मफुल नहीं रहेगा। तो अभी क्योंकि ये ऊपर वाले अभी नहीं हुए हैं, लेट क्रीम अप्लाई हुई है, तो इनको हम अभी वैसे ही का वैसे छोड़ दे रहे हैं। हम सब एडिट कर लेंगे कुछ। तो फ्रेंड्स आफ्टर क्रीम अप्लाई होने के बाद ये हम लोगों ने हेयर वॉश किए और फिर हम ड्रायर से इसको जो है वो थोड़ा सा सुखा रहे हैं। तो जब हम क्रीम के बाद हेयर वॉश करते हैं तो आप मास्क यूज कर सकते हैं, कंडीशनर यूज कर सकते हैं, तो आप जो चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से हेयर्स को जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटनिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर वापस से हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से हमें ये काम करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए आप पूरा इस तरीके से ब्लो ड्रायर जो है वो यूज़ किया है, इस तरीके से पूरा ब्लो ड्रायर होगा। सेक्शन कर करके जो है हम लोग फिर से वापस से ब्लो ड्रायर यूज करेंगे। अब देख रहे हैं बहुत अच्छे से सेक्शन करना है और बहुत ही अच्छे से हमें जो है ब्लो ड्रायर वापस से करना है। बालों में शाइनिंग तभी आती है जब बहुत अच्छे से हम ब्लो ड्रायर करें। तो फ्रेंड्स ये ब्लो ड्रायर के बाद जो है वापस से हम लोग सेक्शन करके जो है उसके बाद हम जो है बालों में प्रेसिंग कर रहे हैं। आप देखिए इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेटनिंग करने जा रहे हैं अभी। तो देखिए बहुत पतले पतले सेक्शन लेके हम लोग जो है वो स्ट्रेटनिंग करेंगे बालों में। और बहुत हाँ बिल्कुल हिलाइएगा नहीं, क्लाइंट को हम लोग बता देते हैं कि बिल्कुल अब आप हिलाएंगे नहीं। देखिए बहुत हल्के हल्के सेक्शन लेके जो है ये हम लोग स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम जितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग कर सकेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट जो है वो हमें मिलेगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन लेके हम लोग स्ट्रेट करेंगे। आप देख रहे हैं ना इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन लेके स्ट्रेट करना पड़ता है। बहुत थोड़े थोड़े सेक्शन लेंगे और फिर उनको हम स्ट्रेटनिंग मशीन से स्ट्रेट करेंगे।
तो देखिए बहुत अच्छे से प्रेसिंग कर रहे हैं ये हम लोग। और इस तरीके से पूरी बालों की जो है वो प्रेसिंग हो रही है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा एक एरिया हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिया है। आप इस तरीके से जो है पूरा कवर करते जाइएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग को भी करना होगा। और जितना अच्छा आप प्रेस कर लेंगे उतनी ही अच्छी स्ट्रेटनिंग होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये देखिए, ये हमने जो स्ट्रेटनिंग की है ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये रिजल्ट है। तो अभी हमको इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो फ्रेंड्स अगेन जो हम लोग है इस पे न्यूट्रलाइजिंग क्रीम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो मतलब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जो हमने पहले प्रोसीजर किया है अब उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। प्रेसिंग करने के बाद हम लोग ये पूरा जो है काम करते हैं स्टार्टिंग से। फिर ये इसको फिक्स करता है, ये जो है स्ट्रेटनिंग जो हमने की है इसको फिक्स कर देगा। ये क्रीम भी जो हम अप्लाई करते हैं तो इसको भी हमें सेक्शन करके और बहुत थोड़े थोड़े जो है हम लोग हेयर्स लेते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो बालों को रखना रहता है फिर हमें, क्योंकि अब हम ये बालों को बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हम बालों को बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं। ऊपर से हमने इस तरीके से लिया तो बालों में पार्टिंग कर ली गई है। एंड देन उसके बाद जो है तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी जो है न्यूट्रलाइजिंग क्रीम अप्लाई कर दी एंड हेयर्स जो है बिल्कुल हमने स्ट्रेट किए हैं, जिससे कि इसकी सेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग क्रीम हमने 20 मिनट्स हेयर्स को छोड़ दिए। उसके बाद जो है देखिए हम इस तरीके से हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर रहे हैं, जिससे कि क्रीम अच्छे से रिमूव हो जाए। वॉश करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग जो है ना थोड़ा सा सीरम को अप्लाई कर रहे हैं। मैंने स्ट्रिक्स का ही सीरम लिया है और ये हम बालों में बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। और जब हम वॉश कर रहे थे तो उस टाइम हमने मास्क भी अप्लाई किया था इनके बालों में। एंड देन आप देख रहे हो सीरम लगाना, सीरम बहुत लाइट लेना है, बहुत ज्यादा सीरम नहीं लेना है। एंड देन देखिए इस तरीके से कॉम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ब्लो ड्रायर करेंगे। तो फ्रेंड्स अब फाइनली हम लोग इसको प्रेसिंग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं रिजल्ट कितना अच्छा आया है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट है और वही पतले सेक्शन लेकर के हम लोग जो है प्रेसिंग करेंगे। मेहंदी न लगी थी तो अच्छा है। तो और अगर आपके बाल जो वर्जन हेयर होते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, या करीब आपने मेहंदी 3-4 मंथ से अगर ना अप्लाई की हो तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बट इधर भी रिजल्ट अच्छा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल पतले पतले सेक्शन करके आपको जो है वो प्रेसिंग करनी होगी और बहुत दबा के आप प्रेसिंग करेंगे तभी जो है वो रिजल्ट बहुत फाइनली बहुत अच्छा आएगा। इतना ज्यादा नहीं दबाने वाली, लेकिन बहुत ज्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, बहुत अच्छे से एक मीडियम उस पे बेस पे आपको चल के ये प्रेसिंग करनी है। तो देखिए फाइनली जो है ये प्रेसिंग भी जो है वो कंप्लीट हो गई है।
आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है प्रेसिंग करनी रहती है। बंद कर दिया। देखिए ये पूरा फाइनली इनका लुक है, आप देख रहे हैं। बंद कर दे। तो ये जो अभी फ्रंट में जो ट्रिम करने हैं हेयर्स, वो ट्रिम कर दे रहे हैं हम लोग। सारे हेयर्स जो है वो ट्रिम किए हैं, आप देख रहे हैं शेप भी बहुत अच्छी है। देन ये देखिए फाइनल और ट्रिम करके तो देखिए फ्रेंड ये फाइनल जो है रिजल्ट है, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं। और ये देखिए पूरा फाइनल रिजल्ट जो है, तो ऑल ओवर हमें जो है वो 5 घंटे लगे इनके स्ट्रेटनिंग करने में। तो फ्रेंड्स आपने देखा फाइनली ये रिजल्ट है, और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया। क्यों सोनिया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। ओके, अच्छा लगा आपको? ओके, तो आपने देखा कि क्लाइंट भी बहुत खुश है, उसे भी बहुत अच्छा लगा और रिजल्ट रियली बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। बाय।